हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को अपने ही चैनल एचआरडी 0.3 पर। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, ना रुका कभी ना झुका कभी, तो कैसे कह दूं हार गया मैं। तो दोस्तों, ना रुकना है ना कभी झुकना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, एक ना एक दिन मंजिल हम लोग को मिल ही जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे चर वाले जोड़ घटा और गुणा पर। चर वाले जोड़ घटा और गुणा पर सबसे पहले देखेंगे बच्चों चर क्या होती है। सबसे पहले चर क्या होती है, आइए चर पर चर्चा करते हैं। चर ध्यान है बच्चों, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक हम लोग बोलते हैं बच्चों चर। ए से जेड तक को चर बोलते हैं, और एक आता है अचर। क्या था बच्चों? एक अचर। अचर को, गिनती को अचर बोलते हैं। जैसे एक दो तीन नहीं गिनते हैं, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अचर। एक से लेकर इन्फिनेटिव तक को अचर, और ए से जेड तक को चर बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चर वाला जोड़ घटाव और गुणा। पिछले वीडियो में हम लोग अचर वाला पढ़ चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। ध्यान दें बच्चों, क्या करेंगे इसमें, एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हम लोग, चर वाला जोड़ घटा और पढ़ते। पहले चर वाला जोड़ घटा, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुणा। ध्यान देंगे, बहुत ही ईजी है, आसानी से आप लोग बना लेंगे, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले एक्स वाला को अलग करते हैं, चूंकि अब कोई कहेगा कि एक्स से कह दिया है, एबीसीडी में तो बहुत कुछ आता है, तो मैथ में सबसे अधिक एक्स वाई वाला आता है बच्चों। आप लोग और कुछ भी लगा सकते हैं, एम एल एन कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये एक्स वाला बच्चों, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स, एक्स वाला को अलग करेंगे और वाई वाला को अलग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक्स वाला अलग जात है और वाई वाला अलग जात भाई है। चलिए एक्स यहाँ पर 2x, 8x और 4x, 2x प्लस का 8x प्लस 4x, एक्स वाले को अलग कर ले बच्चों। अब क्या करेंगे? वाई वाले को अलग करेंगे, वाई वाले को अलग करेंगे, वाई वाले को अलग। ध्यान देंगे 3y प्लस 9y। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? एक्स वाले को अलग जोड़ेंगे और वाई वाले को अलग। एक्स और वाई कभी नहीं जुटता है, नहीं घटता है, याद रखना। एक्स और वाई ना कभी जुटेगा ना कभी घटेगा। तो एक्स वाला को अलग जोड़ेंगे बच्चों और वाई वाला को अलग। जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटाव रहे तो घटाएंगे। चलिए इसको ऐड करेंगे बच्चों, 8 4 12 12 2 14, 8 4 12 12 2 14 बच्चों। और एक्स क्या है यहाँ पर, दोनों में सब में क्या बच्चों? एक्स है। यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स, तो यहाँ पर एक्स लगा देंगे आराम से, कोई दिक्कत ना है। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर ऐड करेंगे और 9 को 3 को, कितना? 9 3 12, आई क्या हम लोग का वाई, क्या बच्चों? वाई। तो आ जाएंगे हम लोग का 12 वाई। अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है, ना जुटेगा ना घटेगा, ओके, ना जुटेगा ना घटेगा। इसका आंसर इतना ही हो गया, इसका आंसर इतना ही हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें घटाव भी शामिल है, इसमें घटाव भी शामिल है, तो उसको कैसे निपटाएंगे, आइए देखते हैं बच्चों, आइए समझते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले x वाला को अलग करेंगे, फिर y वाला को अलग करेंगे, फिर x में माइनस को अलग और प्लस को अलग, और y में माइनस को अलग और प्लस को अलग करेंगे। आइए अलग करते हैं बच्चों। ध्यान देंगे, ये 4x और 6x, 2x, 4x। सबसे पहले x वाला को अलग कर लेते हैं बच्चों, 4x यहाँ पर x है हम लोग का, चलिए सबको अलग कर लेंगे। 4x प्लस का 6x माइनस का 2x और मानस का 4x, ये x का जात भाई हो गया बच्चों, x का टोटल जात भाई इतना ही है। अब y वाला देखेंगे, ये हम लोग का 8y और मानस का 3y, चलिए 8y और मानस का 3y, ओके। ध्यान देंगे, 8y मानस का 3y, फिर क्या बच्चों? मानस का 9y और प्लस में 4y, प्लस में 4y, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ध्यान देंगे, अब क्या किए, एक्स वाला को अलग कर लिए, वाई वाला को अलग कर लिए, अब अलग अलग डिपार्टमेंट में इसे काम करेंगे। अब यहाँ पर इसमें एक्स वाला में भी दो को दिक्कत होता है, कोनो प्लस में होगा तब क्या करेंगे, माइनस में होगा तब क्या करेंगे। तो बच्चों, जो प्लस वाला में है उसको भी जोड़ेंगे और जो माइनस में है उसको भी जोड़ेंगे, एक्स वाला में ही, एक्स वाला में। ये दोनों प्लस वाला है तो इसको अलग जोड़ेंगे, ये दोनों माइनस वाला है तो इसको अलग जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पर आएगा बच्चों, 6 4 10x, 6 4 10x और माइनस का 4 2 6x, 4 2 6x। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हर 3 को तो प्लस, ये 3 को तो माइनस में है, लेकिन अकेले किसमें बच्चों?
प्लस में, तो अकेले रहेगा तो इसे जात भाई कोई मिला हो, कोई नहीं, तो उसको अकेले ही रहने देंगे, उसके अकेले ही रहने देंगे। चलिए इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो आइए बच्चों 8 × 3 = 11, 11 को 9 को 20 को, तो माइनस का 20y, माइनस का 20y, माइनस में इसलिए आया चूंकि तीनों किस में माइनस में, और भाई अकेले किस में बच्चों प्लस में, प्लस में 4y। ओके ध्यान देंगे, ये माइनस प्लस, ये वाई वाला जात भाई हो गया, ये एक्स में कतई ही नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, हाई हाई वाई में कभी नहीं मिलेगा। चलिए एक्स वाला को एक्स में होता है, वाई वाला वाई में होता है। अब इसमें हम लोग घटाएंगे, एक गो माइनस रहता तो क्या करते हैं घटाते हैं, और दो गो रहता तो जोड़ते हैं बच्चों। तो 10 में से 6x घटाएंगे, 10x में से 6 को घटाएंगे तो कहते हैं बच्चों 4, आ एक्स है तो एक्स को क्या करेंगे लगा देंगे। ओके अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 20y में से 4y घटाना है, 20y में से 4y घटाएंगे, तो हम लोग घटाएंगे तो आएगा 20 में से 4 देगा तो 16। अब ये देखेंगे कि चिन्ह किसे बनाएंगे, प्लस या माइनस, तो बताया गया था बच्चों पिछला वीडियो में जिसकी संख्या अधिक होती है उसी का चिन्ह बनता है, तो माइनस में बच्चों माइनस की संख्या क्या है अधिक है, माइनस क्या बच्चों 20 है, तो हम लोग आएगा बच्चों माइनस में 16, क्या आएगा माइनस में 16। उम्मीद है बच्चों इसका आंसर इतना ही आ गया, बच्चों ध्यान देंगे इसका आंसर इतना ही आ गया, अब ये ना घटेगा ना जुटेगा, चूंकि हाई एक्स जात भाई हो गया हाई वाई, तो ये कभी नहीं एक मिलेगा, तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। चलिए अब अगले टाइप पर चलते, ओके आइए आप गुणा समझते बच्चों, जोड़ और घटा हम लोग समझ लिए, जोड़ और घटा समझ लिए, अब गुणा को समझते, इसके लिए एक सूत्र होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। सूत्र ये होता है बच्चों, सूत्र ये होता है एक पावर एम अगुणे एक पावर एन। ध्यान देंगे कहने का मतलब ये हुआ एक के ही पावर, यानी एक पावर एम अगुणे एक पावर एन, यानी हम लोग का बेस, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आधार, ये दोनों का हो गया हम लोग का आधार, यानी बेस आधार बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों बेस, आ इसको बोलते हैं पावर, पावर इसको बोलते हैं बच्चों पावर, यानी हम लोग का होता है घात, पावर बोले तो बच्चों घात। ध्यान देंगे ये हम लोग का आधार होता है, क्या होता है हम लोग का पावर होता है, ध्यान देंगे अब क्या करेंगे हम लोग आधार, चलिए आधार, और ये हम लोग होता है पावर। ओके वन मिनट क्या करें बच्चों, जब नीचे के बेस समान होता है, बेस समान होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, बहुत ही इजी है, जैसे कि एक पावर एम और एक पावर एन दोनों में ए समान है तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक्स पावर 2 अगुणे एक्स पावर 4, 2 और 4 दोनों क्या है बच्चों नीचे के समान है तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। आएगा बच्चों एक्स पावर डायरेक्ट जोड़ दो बच्चों, आएगा एक्स पावर छ। चलो ऐसे ही निपटाएंगे, ऐसे ही सभी क्वेश्चन को निपटाएंगे, तो फॉर्मूला का आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों, उम्मीद है आप लोग सूत्र को नोट कर लिए होंगे। चलिए एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए ध्यान देंगे, एक पावर एम अगुणे एक पावर एन होता है एक पावर एम प्लस एन, यानी पावर को जोड़ देते हैं जब आधार समान होता है तब। आइए इसमें हम लोग क्वेश्चन का क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, एक दे देगा 8 × 8 एक्स पावर 6 × 8 हम लोग हो जाएगा 9 × 6। ओके ध्यान देंगे बच्चों, ये 8 × 6 × 9 × 6 जब अंक आएगा, जब अंक आएगा तो उसको नॉर्मली से गुणा कर देंगे बच्चों, 8 × 9 क्या होता है 72, 8 × 9 = 72। आ एक्स पावर ध्यान देंगे, ये एक्स है, ये भी क्या बच्चों एक्स है, ये एक्स है और नीचे भी दोनों क्या है एक्स, यानी बेस समान है, आधार क्या बच्चों समान है, तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो आएगा बच्चों एक्स पावर बारह आराम से निकाल सकते हैं। अब ध्यान देंगे इसको बनाते हैं हम लोग, इसको 7 × 2 ले लेते हैं बच्चों और 5 × 3, 7 × 2 और 5 × 3 ध्यान देंगे क्या करेंगे बच्चों, जो अंक है उसको गुणा कर लेंगे तो 7 × 5 = 35 हो गया बच्चों, और ये आधार है और ये भी क्या बच्चों आधार, दोनों क्या है समान है, जब दोनों समान है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, पावर क्या होगा जुट जाएगा हम लोग का, तो एक्स पावर 2 × 3 कितना होगा 5 2 × 3 = 5। और जब समान नहीं हो तो नहीं जुटेगा, समान नहीं हो तो नहीं जुटेगा, ध्यान दें क्या होगा, जैसे कि 10x हो गया बच्चों, 10x × 5y, 10x × 5y समान है जी नहीं है, और ये x है क्या है y है, जात भाई
नहीं है तो पावर का होगा नहीं जुटेगा, आएगा 50 XY, ओके पावर का ही नहीं जुटेगा। अब एक और समझते हैं, ध्यान देंगे, क्वेश्चन में आ गया 7X² गुणे Y, दोनों आ गया बच्चों, और फिर गुणम हम लोग आ गया बच्चों 8X और ले लेते हैं Y²। अब समझेंगे क्या करेंगे, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है क्वेश्चन, लेकिन समझ में आएगा गारंटी है। ध्यान देंगे 7 8 56 हो गया बच्चों, अब मिलाएंगे जात भाई, यहाँ पर एक से यहाँ पर क्या है एक से समान है बच्चों, इसका पावर 2, इसका पावर कुछ भी नहीं तो क्या है 1, जिसका कुछ भी नहीं होता उसे क्या होता है 1, और 2 × 1 कितना आएगा 3 × 3 आ गया बच्चों। अब यहाँ पर अब वाई वाला के जात भाई मिलाते हैं, दोनों है बच्चों समान है, इसका कुछ भी नहीं तो 1 और इसका 2, तो वाई के पावर भी कितना आएगा 3, वाई के पावर भी कितना आएगा बच्चों 3। तो इजी क्वेश्चन है, सब समझ में आ जाएगा उम्मीद है। ध्यान देंगे एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद से नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे हम लोग, उसके बाद से नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन ऐसे दे देगा, 4X × 8X मास का 4Y, हो गया ना, 4Y × 8X − 4Y, ये हम लोग हो गया क्वेश्चन। ये कोष्ठ होता है छोटका, कोष्ठ होता है, कोष्ठ का मतलब होता है गुणा, दोनों में क्या होगा बच्चों गुणा, तो गुणा करेंगे तो 4 × 8 = 32 और एक्स बार कुछ भी नहीं तो 1, और यहाँ पर भी क्या बच्चों 1, तो एक्स बार कितना आएगा 2, एगो 2 माइनस और प्लस का आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, आ 4 × 16 समान है ना, हो है एक्स से आई क्या बच्चों वाई, तो उनको समान नहीं है, तो हम लोग का आएगा बच्चों 16XY, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलिए अगले टाइप पर चलते आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ये भी हम लोग का एक प्रकार का क्या बच्चों गुणा ही है। देखे तो इतना इंडो में क्या है इतना, बालक सब बहुत परेशान रहता है इस टाइप के क्वेश्चन के, लेकिन आज से कोई परेशानी नहीं होगा, ये मेरी वादा है। ध्यान देंगे बच्चों, इससे पहले एक चीज पढ़ लेते बच्चों, होता है प्लस गुणे प्लस क्या होता है बच्चों प्लस, माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, ये भी क्या होता है प्लस। ध्यान देंगे अब प्लस गुणे माइनस क्या होगा हम लोग बच्चों माइनस, अब माइनस गुणे प्लस क्या होगा प्लस, माइनस गुणे प्लस क्या होगा बच्चों माइनस। इसको देखना होगा बच्चों तो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, जो कि विस्तार से बताया गया है, ये सभी को विस्तार से बताया गया बच्चों, ये अभी बता दिए ताकि इस क्वेश्चन हम लोग का आवश्यकता है, पिछले वीडियो में इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। अब ध्यान देंगे इसको हम लोग बनाते हैं, इसको बनाते हैं क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये भी एक प्रकार का क्या है गुणा है, एक को बाहर निकालेंगे 2X को बाहर निकालेंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे 3X + 6Y, ओके। अब क्या करेंगे इसको बाहर निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे बच्चों फिर इसको बाहर निकालेंगे, माइनस का 4Y आएगा बच्चों 3X + 6Y, ये दोनों में समान होना चाहिए। देखो तो इसको यहाँ पर भी लिए है और इसको यहाँ पर भी लिया है, दो का है अगला, इसको यहाँ पर बांट दिया है और यहाँ पर बांट दिए। आइए अब गुणा करते हैं बच्चों, आइए अब गुणा करते हैं, 3 × 6 1 × 1 पावर कितना का बच्चों 2, x² × 1 और x² × 1 कितना का पावर 2, x² 2 होगा बच्चों। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 6 × 12 पहले इसमें गुणा कर लिए तो अब इसमें गुणा करेंगे बच्चों, दोनों में गुणा होता है, कोष्ठ के मतलब जितना कोष्ठ के अंदर होगा सब में पारा पारी गुणा करेंगे, तो 6 × 12 + 6 × 12 XY जात भाई नहीं है, जात भाई जब नहीं है तो हम लोग वही लिख देंगे x × y, ओके माइनस है तो माइनस, ध्यान दें बच्चों माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं दो प्लस, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, माइनस प्लस ध्यान देंगे माइनस है प्लस, माइनस है बच्चों आ 4 × 12 XY यानी वाई एक्स जात भाई नहीं है, तो कुछ भी पावर नहीं जुटेगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे XY चाहे वाई एक्स। अब ध्यान दें बच्चों माइनस प्लस सबसे पहले क्या होगा माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया बच्चों, आ 4 × 6 = 24 आ वाई यहाँ पर भी है क्या वाई, दोनों जात भाई क्या बच्चों समान है, यहाँ पर भी वाई और यहाँ पर भी वाई, तो वाई के पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 1, एक कितना होगा 2, वाई के पावर 2, ओके
डू यू अंडरस्टैंड बच्चों, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है, दोनों समान है, दोनों में एक्स वाई है बच्चों, आराम से इसको ऐड कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। छ एक्स स्क्वायर, अब ध्यान देंगे एगो प्लस है एगो माइनस, क्या होगा घटेगा, एगो प्लस है एगो माइनस तो क्या होगा घटेगा, घटेगा क्या यार ये कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, बारह एक्स वाई और बारह एक्स वाई दोनों क्या है समान है, घटाओ चाहे कटाओ बात वही हुआ, ये सब साफ कैंसिल होगा बच्चों। तो आएगा हम लोग का चौबीस, चौबीस वाई स्क्वायर, चौबीस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का चौबीस वाई स्क्वायर, इतना ही हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब ये ना घटेगा ना जुटेगा, ओके। अब आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, ध्यान देंगे इसमें भी वही काम करेंगे बच्चों, पहले थ्री एक्स को ले लेंगे बच्चों और फिर इन दोनों को टू एक्स माइनस का सेवन वाई, ओके। अब क्या करेंगे इसको ले लेंगे, माइनस में है तो माइनस में, अब प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस का फोर वाई, अब फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे टू एक्स माइनस का सेवन वाई। अब गुणा करते हैं बच्चों बारह पर, पहले इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें, फिर से भी इसमें और इसमें, आइए गुणा करते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी क्या बच्चों प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तीन गुना छ, एक्स पावर एक और एक्स पावर एक कितना होगा दो, चूंकि हम लोग का आधार समान है बेस समान है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, तो हम लोग का आएगा एक्स पावर दो। अब ध्यान देंगे क्या करें बच्चों, तीन और तीन से इसमें गुणा करेंगे तो सात का इक्कीस, और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों माइनस, पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं विस्तार से बताया गया है, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस सात का इक्कीस, और यहाँ पर एक से यहाँ पर क्या बच्चों वाई, जात भाई नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे एक्स वाई, एक्स वाई, इससे काम समाप्त हो गया बच्चों। अब इसको देखते हैं, ध्यान देंगे बच्चों माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, आ चार दूनी आठ, आ एक्स और वाई जात भाई नहीं है समान नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, ऐसे ही हम लोग लिख देंगे, ओके। एक्स वाई हो गया, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, जब दोनों समान होगा तो किसमें आता है प्लस में, जब दोनों समान होगा तो किसमें आएगा बच्चों प्लस में, चलो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, और सात सौ अट्ठाईस वाई, और यहाँ पर भी क्या बच्चों वाई, दोनों क्या है समान है, जब भी समान रहेगा तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर भी क्या है एक, तो हम लोग का वाई की पावर दो, वाई का पावर दो। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई, दोनों क्या है समान है तो आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर क्या होगा बच्चों घट जुटेगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, जब दो को माइनस रहता तो जुटता है। छ एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों, उनतीस गो या आठ गो, इक्कीस गो और आठ गो कितना होगा बच्चों उनतीस का, उनतीस एक्स वाई प्लस का अट्ठाईस वाई स्क्वायर, प्लस अट्ठाईस वाई स्क्वायर, ये रहा इसका आंसर, कुछ भी नहीं है बच्चों, आप लोग आगे कुछ भी नहीं है, आराम से समझ लेंगे, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।